स्वागत है आपका एक बार फिर से नेक्स्ट नाइन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साधिका कौर। तो बाजीराव मस्तानी का वो महल जिसकी कहानी अक्सर हम लोग सुनते आए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वहां पर कुछ ऐसा आज भी खट्टा है कि लोग कहते हैं कि वहां पर किसी की आत्मा का साया है। जी हाँ, रोज रात को कहते हैं बाजीराव मस्तानी के महल से चीखने की आवाजें आती है और कोई कहता है बचाओ बचाओ। तो आखिर वो कौन है जो वहां पर ऐसी आवाजें करता है? आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं इस वीडियो में बाजीराव मस्तानी का वो महल का सच, पुणे में शनिवाड़ा का वो सच जिसको जानकर आपका भी दिल कांप जाएगा। और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज में। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और बताती हूँ आपको शनिवाड़ा के सच के और उसका रहस्य। शनिवाड़ा का वो रहस्य जिसको हर कोई जानना चाहता है। वहीं पर कहा जाता है कि पूरे महल को आग लग गई थी और आज भी वहां पे कई आत्माओं का साया है। एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हुआ था राजकुमार। जी हाँ, ये सारा सच आज मैं आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। और जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये अच्छी लगी हो। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। बाजीराव मस्तानी के महल में भटकती आत्माएं पुकारती है बचाओ बचाओ। मराठा साम्राज्य उनको बुलंदियों पर ले जाने वाले बाजीराव ने 1746 ई में एक महल का निर्माण करवाया जो शनिवार वाड़ा के नाम से जाना गया। ये महल पुणे में आज भी मौजूद है। 1818 तक ये पेशावाओं के अधिकार में रहा। 1828 ई में इस महल में आग लगी और महल का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में आ गया। ये आग कैसे लगी ये अपने आप में अब तक एक सवाल बना हुआ है, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस महल से अब भी अमावस की रात तक दर्द भरी आवाज आती है जो बचाओ बचाओ पुकारती है। ये आवाज उस शख्स की है जिसकी हत्या इस महल में कर दी गई थी। कहते हैं हत्या के बाद उसके शव को नदी में बहा दिया गया था। ऐसी मान्यता है कि बाजीराव के बाद इस महल में राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हो गया था। इसी राजनीतिक दाव पेच और सत्ता की लालचा में 18 साल की उम्र में नारायण राव की हत्या इस महल में कर दी गई थी। कहते हैं आज भी नारायण राव अपने चाचा राघोबा को पुकारते हैं काका माला बचाव। नारायण राव की हत्या क्यों और किस कारण से हुई उसकी एक बड़ी दर्दनाक कहानी भी है। नारायण राव नाना साहेब पेशवा के सबसे छोटे बेटे थे। अपने दोनों भाइयों की मृत्यु के बाद नारायण राव को पेशवा बनाया गया। नारायण राव को पेशवा तो बना दिया गया, लेकिन उम्र कम होने की वजह से रघुनाथ राव यानी राघोबा को उनका संरक्षक बनाया गया और शासन संचालन का अधिकार भी राघोबा के हाथों में ही रहा। लेकिन इस व्यवस्था से राघोबा उनकी पत्नी आनंदबाई खुश नहीं थी। वो सत्ता पर पूर्ण अधिकार चाहते थे। राघोबा की इस हसरत की भनक नारायण राव को लग गई और दोनों पक्ष के बीच दूरियां बढ़ने लगी। इस बीच राघोबा ने सुमेर सिंह गदरी जो भीलों का सरदार था उसे पत्र लिखकर रघुनाथ राव को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। लेकिन इस पत्र को आनंदीबाई ने बदलकर नारायण राव को मारने के हुक्म में बदल दिया। समर सिंह और नारायण राव के संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए सुमेर सिंह गर्दी ने नारायण राव पर हमला कर दिया और इससे घबराकर नारायण राव काका माला बचाओ पुकारता हुआ महल में भागा। लेकिन सुमेर सिंह ने अपनी तलवार से नारायण राव का अंत कर दिया। उन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक नारायण राव की हत्या उनके चाचा ने ही करवाई थी। कहते हैं कि आज भी नारायण राव की आत्मा इस किले में भटकती है और उनके द्वारा बोले गए आखिरी शब्द काका माला बचाव की आवाज आसपास के लोगों को सुनाई देती है। अंधेरी रातों में ये महल और अधिक डरावना लगता है। वहीं शनिवाड़ा में कुल 5 दरवाजे हैं।
पहले दरवाजे को दिल्ली दरवाजा, दूसरे को मस्तानी दरवाजा, तीसरे को खिड़की दरवाजा, चौथे को नारायण दरवाजा और पांचवे को गणेश दरवाजा कहते हैं। इस महल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थेरोलिया दीवान खाना, डांसिंग हॉल और जूना अस्सा महल है। आम दिनों में शनिवार और रविवार को यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। महल की दीवारों पर महाभारत और रामायण काल के दृश्य बने हुए हैं। यहाँ प्रतिदिन शाम को 7:15 से 8:10 तक एक विशेष लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है, जिसे देखने के लिए पुणे के आसपास के लोग यहाँ आते हैं। इस महल की पहली मंजिल पर 17-18 फीसदी सदी के दौरान की कई वस्तुएं और मूर्तियों को रखा गया है। वर्तमान समय में पुणे महानगर पालिका इस महल की देखभाल करता है और कहा जाता है कि आज भी रात के समय में वहां कोई नहीं जाता। जिस समय उस महल में लगी थी आग और राजकुमार नारायण राव की हुई थी मृत्यु, उस समय में उस महल के भीतर कोई नहीं जाता। कहते हैं आज भी आधी रात को वहां से अलग अलग किस्म की बचाओ बचाओ की आवाजें आती है। कहा जाता है कि आज भी उनकी आत्मा वहीं पर इस दर्द से भटक रही है कि आखिर उनको मारा तो मारा किसने, क्योंकि ये बात खुद नारायण राव भी नहीं जानते कि उनकी हत्या किसने की। जी हाँ, कहा जाता है कि राजकुमार की हत्या करने वाला वही राजा था जिसको राजकुमार ने आखिर बार बोला था कि मुझे बचाओ। कहा जाता है कि राजकुमार को धोखा उन्हीं के चाचा ने दिया, जिनको वो आखिरी वक्त तक पुकारते रहे कि मुझे बचाओ, और वहीं पर उनकी आत्मा सिर्फ इसलिए तड़पती है क्योंकि आखिर में उनको धोखा मिला और उस धोखे के बारे में वो नहीं जान पाए कि आखिर उनको किसने मारा और उनको धोखा किसने दिया। यही सच जानने के लिए आज भी कहते हैं कि राजकुमार की आत्मा वहां पे तड़पती है, वहां पर भटकती है। आसपास के लोग तो ये भी कहते हैं कि वहां से कुत्तों तक की रोनों की आवाजें आती है। वहीं पर राजा हर रोज रात को चीखते हैं कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। हालांकि ये किसी ने देखा नहीं, लेकिन वहां के आसपास के लोग कहते हैं कि हमने सुना है कि वहां से आवाजें आती है। कई लोग तो कहते हैं रात के साए में महल की छत पर राजा बैठा हुआ नजर आता है। वहीं पर वो राजकुमार सिर्फ 17 साल का है और एक 17 साल का लड़का वहीं पर रोज रात को बैठे हुए नजर आता है। वहीं ये बात बिल्कुल सत्य है कि शनिवाड़ा में कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।